नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। हरदा ब्लास्ट में 11 मौतों की कहानियां। मां को निकालने गई थी प्रमिला, दिव्यांग पिता को बचाने में गई आशीष की जान। जब पहला विस्फोट हुआ तो फैक्ट्री से सभी लोग बाहर भागे, उसमें प्रमिला और उसकी मां मथुरा बाई भी थी। विस्फोट के बाद एक पत्थर मथुरा बाई को लगा, जिससे वो घायल हो गई। प्रमिला चाहती तो बाहर निकल सकती थी, लेकिन मां को छोड़कर जाना नहीं चाहती थी। बाहर की तरफ भाग रहे लोगों ने मथुरा बाई को बाहर निकाला। उनके पीछे प्रमिला थी, लेकिन वह ज्यादा दूर तक नहीं भाग सकी, क्योंकि 10 मिनट बाद हुआ दूसरा विस्फोट ज्यादा खतरनाक था। उसमें फैक्ट्री के टीन की चादरें उड़ गई। एक चादर का नुकीला हिस्सा सीधा प्रमिला से टकराया, उसकी मौके पर ही मौत हो गई। कहना है प्रमिला के जीजा शीरेंद्र परमार का। उन्होंने नम आंखों से भास्कर को पूरा वाक्य सुनाया। प्रमिला हरदा की पटाखा फैक्ट्री में काम करती थी। शैलेंद्र परमार ने बताया कि 32 साल की प्रमिला ने माता पिता की देखभाल के लिए शादी नहीं की थी। वो कहती थी कि उसके ससुराल जाने के बाद माता पिता का ख्याल कौन रखेगा। थोड़ा ठहर कर कहते हैं, देखिए माँ को उसने आखिरी सांस तक नहीं छोड़ा। हरदा की पटाखा फैक्ट्री में 6 फरवरी को हुए हादसे में 11 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी। प्रशासन ने 9 लोगों की शिनाख्त की, लेकिन 2 की शिनाख्त नहीं हो सकी है। वहीं एक घायल की मौत अस्पताल लाते वक्त हुई और 8 साल के बच्चे ने 9 फरवरी को इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। इस तरह से इस हादसे में 13 लोग जान गंवा चुके हैं। भास्कर ने हादसे में मारे गए 11 लोगों के परिजन से बात की तो मौत के दिल दहला देने वाली कहानियां सामने आई। प्रमिला की कहानी आपने पढ़ ली, अब बाकी की 10 कहानी। जिस फैक्ट्री में काम करने का पिता ने रोका, वहीं गई जान। 21 साल का प्रियांशु प्रजापति खेड़ीपुरा गांव का रहने वाला था। उसने पिता मुन्नालाल प्रजापति सहित पूरा परिवार इसी फैक्ट्री में मजदूरी करता था। प्रियांशु के भाई रितेश कहते हैं, वह घर में सबसे छोटा और सबका लाडला था। हम दोनों भाई परिवार की जिम्मेदारी संभालने के लिए इसी फैक्ट्री में काम करने लगे थे, लेकिन यहाँ खतरे को देखते हुए पिताजी चाहते थे कि प्रियांशु उस फैक्ट्री में काम न करे। वह जिद कर कुछ देर वहाँ काम करने भी आया था, लेकिन बाद में पिता ने काम करने से रोक दिया था। रितेश ने बताया कि हादसे के दिन माता पिता फैक्ट्री में काम करने नहीं आए थे। करीब 11 बजे वह टिफिन लेकर चाचा को खाना देने आए थे। खाना देकर वो बस लौट रहे थे कि फैक्ट्री से चंद कदमों की दूरी पर ही था, तभी विस्फोट हुआ। चाचा जान बचाकर बाहर की तरफ भागे, लेकिन तेज धमाके में उनके कान के पर्दे फट गए। वह 200-300 मीटर ही भाग पाया था, तभी दूसरा विस्फोट हुआ और पत्थर उड़ने लगे। एक पत्थर उड़कर उसके सिर पर लगा और वह अचेत होकर जमीन पर गिर पड़ा। हादसे के बाद हमने उसे खोजा, लेकिन पता चला कि उसकी मौत हो चुकी है। बच्चों की जान तो बचा ली, लेकिन रहीम खुद को नहीं बचा पाया। कडोला गांव के रहने वाले 50 वर्षीय रहीम पहले सब्जी बेचने का काम करते थे। रहीम के भाई असलम बताते हैं, धंधा नहीं चला तो रहीम एक साल पहले इस फैक्ट्री में काम करने लगा था। उसे करीब 300 रुपए प्रतिदिन मिलते थे। करीब 6 माह पहले भाई की पत्नी शहनाज, बेटी सिमरन उम्र 18, सानिया उम्र 15 और भाभी अजान भी इसी फैक्ट्री में काम करने लगे थे। सभी रोज साथ में आते जाते थे। उस रोज का वाक्य याद कर असलम कहते हैं, जैसे ही परिवार को फैक्ट्री में आग लगने की खबर मिली, सभी बाहर की तरफ भागे। पति पत्नी तो आगे निकल गए, लेकिन बेटियां तेजी से भाग नहीं पाई, तो रहीम उनसे वापस लेने के लिए लौटे। जब वे लौट रहे थे, तभी दूसरा धमाका हुआ और पत्थर ने उनका सर फाड़ दिया। हादसे के बाद उन्हें एम्बुलेंस से भोपाल ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में उनकी मौत हो गई। असलम बताते हैं, हादसे के समय मैं और भाई सलीम भी बैरागढ़ में ही मजदूरी कर रहे थे। जैसे ही धमाके की आवाज सुनी, हम फैक्ट्री की ओर दौड़े। पत्थर लगने से हम दोनों भी घायल हो गए। अनुज कुचबंदिया की माँ ज्योति बाई और पिता शोभाराम भी इसी फैक्ट्री में मजदूरी करते थे। उसके 2 छोटे भाई भी यही काम करते थे। चाचा बलराम ने बताया, अनुज पिछले 2 साल से फैक्ट्री में काम कर रहा था, अपनी माँ और पिता के साथ काम पर आया था। जैसे ही पहला ब्लास्ट हुआ, तीनों जान बचाकर बाहर की तरफ भागे। फैक्ट्री से कुछ दूर पहुंचे ही थे कि दूसरा ब्लास्ट हो गया। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अपने सपनों का घर बना रहे हैं, एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाई सुहागी बाईपास।
शिफ्टिंग की टेंशन, अब नो टेंशन। शिफ्ट को पैकर्स एंड मूवर्स है ना, जो आपके घर के पूरे सामान के साथ आपकी बाइक व कार को सुरक्षित एवं जिम्मेदारी के साथ आपके घर तक पहुंचाता है। तो आप देख किस बात की, आज ही संपर्क करें 8821000717।